दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर चल रही बड़ी बैठक खत्म हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जेपी नड्डा के घर पर मौजूद थे। इस बैठक में मोहनलाल कौशिक भी बैठक में शामिल थे। विनोद तावड़े, महासचिव अरुण सिंह, महासचिव सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद थे। सरकार के गठन को लेकर ये बड़ी बैठक आयोजित की गई। सुबह प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है और तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने को तैयार है। इस बीच आज जेपी नड्डा के घर पर बड़ी अहम बैठक हुई। मेरे सहयोगी राजा पटेल दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राजा, काफी अहम ये बैठक थी जो जेपी नड्डा के घर पर हुई है। बैठक अब खत्म हो गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी, मोहनलाल कौशिक, बीजेपी के कई बड़े चेहरे बैठक में मौजूद थे। क्या हरियाणा में सरकार के गठन को लेकर ये बैठक थी? राजा, क्या नतीजा रहा बैठक का? बिल्कुल, देखिए बैठक करीबन 15 मिनट की चली है और बैठक अब खत्म हो चुकी है। जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो बैठक में मौजूद थे। जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनकी अध्यक्षता में बैठक थी। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक का बयान निकलकर सामने है। उन्होंने कहा कि ये चार बैठक थी। हालांकि सरकार गठन को लेकर, कैबिनेट विस्तार को लेकर अभी कोई बैठक नहीं हुई है। अभी आप लोग त्योहार मनाएंगे, त्योहार के बाद आपको कैबिनेट का विस्तार देखने को मिलेगा। तो जाहिर तौर पर कोई जल्दबाजी में नहीं है बीजेपी। और जिस तरीके से सुबह से लगातार जो बैठकों का दौर दिल्ली में देखने को मिल रहा है, सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से मुलाकात करी, उसके बाद सबसे कुछ देर पहले जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनसे एक बड़ी मुलाकात हुई है। तो लगातार मुलाकातों का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पर सूत्रों के अनुसार हमारे पास जानकारी ये भी है कि पर्यवेक्षक जो है वो बनाए जा सकते हैं, कि वो चंडीगढ़ जाके विधायकों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके का रूपरेखा, किस तरीके का जो कैबिनेट विस्तार होगा, किस तरीके का नया जो कैबिनेट है वो देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर बैठक में जरूर चर्चा हुई है जी। तो राजा, क्या बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने खुद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? बिल्कुल, देखिए अभी कोई प्रतिक्रिया जो है मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आई है, क्योंकि वो बैठक से निकल चुके हैं। और जो जानकारी है कि अब चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर अब से थोड़ी देर बाद बड़ी बैठक होगी, जिसमें तमाम जो बीजेपी के सीनियर नेता हैं वो बैठक में शामिल होंगे जी। शुक्रिया राजा आपका इस जानकारी के लिए, बेहद शुक्रिया। तो बड़ी बैठक आयोजित की गई दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, मोहनलाल कौशिक इस बैठक में मौजूद रहे। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से बैठक हरियाणा में सरकार के गठन को लेकर ही आयोजित की गई, लेकिन इस बैठक को लेकर अभी बीजेपी नेताओं ने कुछ नहीं कहा। हरियाणा प्रदेश के विधानसभा 2024 के जो चुनाव का रिजल्ट आया और स्पष्ट बहुमत की सरकार, तीसरी बार डबल इंजन की सरकार हरियाणा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बड़ी है। और शिष्टाचार के नाते आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से शिष्टाचार भेंट के नाते मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं और हमारे संगठन महामंत्री फणेन्द्र नाथ जी और सभी अपने राष्ट्रीय नेताओं के साथ यहाँ राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी सबसे मिलना हुआ है। यहाँ पहले से बैठक रखी हुई थी और इत्तफाकिया हमें भी समय मिल गया, आज हम सबसे मिले हैं अभी। और जो जीत हुई है हरियाणा प्रदेश में, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जो जीत हुई है, उसकी शिष्टाचार भेंट थी। बाकी और किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई।